महंगी रोटी सस्ता चरित्र, सेठ जी लकड़ी लोगे क्या? बड़े दयनीय भाव से यह सवाल सर पर लकड़ी का गट्ठल लिए जंगल से लकड़ी बीन कर लाई गीता ने दुकान पर बैठे सेठ से किया। ले लो साहब, बहुत पुरानी बहुत पतली लकड़ियां हैं, ज्यादा धुआं भी नहीं देंगी। लेकिन सेठ की नजर तो गीता के शरीर पर टिकी हुई थी, जो युवा थी लेकिन गृहस्थी के बोझ से अधेड़ सी दिख रही थी। सेठ की नजर को ताड़ते ही गीता ने अपनी साड़ी फटी साड़ी से इज्जत छुपाने की असफल कोशिश की। सेठ लार टपकाते हुए बोला, हाँ हाँ ले लूंगा तेरी सारी लकड़ी, लेकिन लकड़ी घर जाके उतारनी पड़ेगी। गीता खुश होकर सेठ के पीछे उसके घर चलने लगी। सेठ की बुरी नीयत से बेफिक्र वो सोच रही थी कि आज बुखार से पीड़ित बेटे के लिए दवाई के साथ साथ दूध भी ले जाएगी। आखिर कितना कमजोर हो गया है वो, इस गृहस्थी में तो कुछ पूरी नहीं पड़ती, आटा जाने कब का खत्म हो गया। आज तो भरपेट खाना खाएंगे और मेरे आदमी को तो शराब पीने से फुर्सत ही नहीं है। बाई यहीं आंगन में रख दो लकड़ियां। सेठ की ये आवाज सुनकर गीता की तंद्रा टूटी। हाँ हाँ सेठ जी, और ये कहते हुए उसने लकड़ी का गट्ठर सर से नीचे उतार दिया। एक पल तो उसे ऐसा लगा जैसे परिवार का बोझ ही हल्का हो गया। सेठ जी 100 रुपए से कम नहीं लूंगी, इतनी दूर आई हूँ। हवस का मारा सेठ खीसे निपोड़ते हुए बोला, हाँ हाँ अंदर बैठ जा, पूरे पैसे दे दूंगा, पहले थोड़ा पानी तो पी ले। यह कहते हुए उसने गीता को अंदर खींच लिया। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस खाली घर में भला उसकी सुनने वाला कौन था, या पंछी के फड़फड़ाने से भला कहीं बहेलिया का दिल पसीसता है। और सेठ अपनी बदनीति में सफल हो गया। बेबस मासूम गीता लौटते वक्त सोच रही थी कि इस देश में रोटी कमाना कितना महंगा है और कितना सस्ता है चरित्र। वाकई रोटी की कीमत उसे अपनी इज्जत देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी मैं जो आपको सुना रहा हूँ, कहानी ना समझें इसे और जीवन दुनिया की यथार्थ सत्यता समझें। ये कहानी एक आपको मैं सुना रहा हूँ तो आपके मन तक, मन को झकझोरने के लिए सुना रहा हूँ, आपके मन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, एक नारी मन की व्यथा आपके मन तक पहुँचाने के लिए सुना रहा हूँ कि सोचें इस सभ्य समाज को हम कितना सभ्य समझें। आखिर हमें कहाँ, हम कितना गिर रहे हैं और हमें अभी कितना बदलना है। अगर कहानी ने आपके मन को छुआ है तो कृपया इस कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि हम सब अपने दिल से जागें, दूसरे की वेदना संवेदना पीड़ा को समझें, महसूस करें और इंसान हैं तो इंसान बनकर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू।